आजकल एक ऐप बहुत चर्चा में है जिसका नाम है गूगल टास्क मेट। जी हाँ दोस्तों, गूगल टास्क मेट क्या है, गूगल टास्क मेट कैसे काम करता है, गूगल टास्क मेट से क्या फ़ायदा है, वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं स्काई, समीर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बता दूँ आपको कि ये गूगल टास्क जो है, ऐसे बहुत सारे ऐप पहले से हैं, आपके प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो ऐप्स होते हैं वो फेक होते हैं। आप उसको इंस्टॉल करते हो लेकिन आपका वो पर्पस पूरा नहीं होता है, लेकिन जब बात आती है गूगल की तो हमारा ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। गूगल एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो गूगल ने जो एक लॉन्च किया है टास्क मेट, आपको नाम से पता चल रहा है कि टास्क मेट, गूगल आपको टास्क देगा और फिर उस टास्क को आप पूरा करेंगे और फिर आप पैसे अर्न करेंगे। टास्क दो तरीके से आपको करना है, एक तो घर बैठे बैठे कर सकते हैं आप, दूसरा फील्ड का होगा। फील्ड में भी बहुत दूर नहीं जाना, आसपास में जाना, मैं दोनों ही बताता हूँ। जो घर में बैठ के आपको काम करना है उसमें क्या करवा सकता है गूगल आपसे, अभी नॉर्मली यही आया है कि आपको किसी सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना होगा या किसी वर्ड्स को सही तरीके से सिलेक्शन करना होगा, गूगल अपने अकॉर्डिंग वो आपको काम देगा और आपको वहाँ करना है। दूसरा जो है फील्ड जॉब, फील्ड जॉब में ये होगा कि आप आसपास की शॉप पे जाएंगे, वहाँ विजिट करके वहाँ की फ़ोटो क्लिक करके आप अपलोड करेंगे या जो भी और चीज़ें होंगी लोकेशन का उसको आप अपलोड करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये दोनों ही बहुत आसानी से होने वाला है, इसलिए भी लोग काफ़ी सारे उत्साहित हैं कि इस ऐप को लेकर, कि जो पैसे कमाना है तो आप ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं इस ऐप को लेकर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस ऐप के साथ, प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप में से जो जनरल यूज़र हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये बीटा वर्जन में गूगल ने लॉन्च किया है। अब इसके जो कुछ टेस्टर हैं जिनको ये परमिशन मिला यूज़ करने के लिए, कुछ अभी 4 लाख की संख्या में हैं जो इस ऐप को यूज़ करना है इनको, वो अगर चाहे तो 3 लोगों को रेफरल कोड से इन्वाइट करके यूज़ करवा सकता है। तो अगर आपके जानकार में कोई ऐसे लोग हैं तो अगर आपको वो रेफ़र करते हैं, रेफरल कोड आपको उनसे मिल जाता है, देन आप यूज़ कर सकते हैं गूगल टास्क मेट को, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि गूगल टास्क मेट अगर आप इंस्टॉल अभी कर लेते हैं और आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे, तो आप अभी आप इंस्टॉल ना करें। और इसको वीडियो को बनाने का मेरा एक और मकसद था, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे या आपको यूट्यूब के वीडियो में या गूगल पे ऐसे मिल रहे हैं कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो या आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करो और आपको हम रेफरल कोड प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे लोगों के झांसे में भी नहीं आना है, क्योंकि अभी आपको ये रेफरल कोड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें दोस्तों। मेरा जैसे ही अपग्रेड कुछ होगा या आगे जो भी कैसे गूगल टास्क मेट ने अपग्रेड किया है इसमें और कैसे काम करना है, जैसे ही आएगा मार्केट में लॉन्च होगा फिर हम आप तक इस वीडियो को लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो